Hello, welcome back guys to my channel in another blog. Hope you all are doing good. तो guys, आज की इस वीडियो पे अपन फिर से करते हैं पुराना ड्रिल, मेट्रो से करना सफ़र, जाना और पहुंचना अपने डेस्टिनेशन में जो कि था GT वर्ल्ड मॉल. ओके गाइज, तो चलिए इसके अंदर जाने से पहले आपको इसके बारे में कुछ बता दें विद सिनेमेटिक शॉट के साथ. तो जी हाँ, GT वर्ल्ड मॉल एस्टेब्लिश हुआ साल 2017 में विजयनगर में, और ये उन मॉल्स में आते हैं जो काफ़ी अच्छा बिजनेस करता है बेंगलुरु में गाइस. और ये रात के 9 बजे तक खुली रहती है, दिन का 10:30-11 बजे से, एग्जैक्ट टाइमिंग पता नहीं. और ये यू नो काफ़ी यहाँ पे आपको लग्जरी ब्रांड के साथ थोड़े सस्ते ब्रांड और मीडियम उसके ब्रांड्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं. चलिए अब अपने आप जाते हैं अंदर में और दिखाते हैं आपको अंदर का नज़ारे, सीन सब कुछ. सो या इसमें जाने के लिए दो तरह का रास्ता था. हम लोग राइट साइड से घुसे हैं और घुसते समय यहाँ आपको दिखता है इतना बड़ा ये एरिया जहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, रह सकते हो, बैठ सकते हैं. और यहाँ पे हम बहन और प्रतीक भाई गए थे यहाँ पर. ओके, तो ये है GT वर्ल्ड मॉल जिसका ये है एंट्रेंस. और यहाँ पे जाते हैं, पर यहाँ में सिक्योरिटी साहब जो अंकल चेक करते हैं वो थोड़ा हमारे साथ रूडली बिहेव करते हैं, पर वो सबको भुला के अपन सीधा बढ़ते हैं आगे. वो है बहन हम लोग का जो हम लोग का टूर देगा अभी. पहले हम लोग को पता नहीं था कि ग्राउंड फ्लोर के नीचे और एक फ्लोर है बोल के अंडरग्राउंड फ्लोर, बट हम लोग सीधा ग्राउंड फ्लोर से शुरू करते हैं. और ये देखिए GT वर्ल्ड मॉल का व्यू, घुसते ही कुछ आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा. नाइस. ओके, सो चलिए आपको कुछ दिखाना तो है नहीं, तो हम लोग सीधा घुसते हैं जूडियो में जो कि पहले कभी नहीं सुना था मैं, बट यहाँ पे घुसने के बाद ये वन ऑफ द फेवरेट ब्रांड्स बन गया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी कपड़े सब मिल रहे थे काफ़ी रीजनेबल प्राइस में, काफ़ी अच्छे प्राइस में जो कि अपन खरीद सकते थे. सो इसलिए जूडियो ब्रांड GT वर्ल्ड मॉल में सबसे काफ़ी बढ़िया लगा. और यहाँ बहन का थोड़ा मस्ती डांस. तो आपने जितना सब देखा ये सब जूडियो का ही सामान था, और जूडियो से ख़रीदारी करने का तो आगे निकल पड़े. और जैसे कि आप लोग देख सकते हो सारे चीज़, और देखिए एंजॉय करिए. और अभी पहुँचे थे अपन फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर का सब कुछ आपको दिखा देता है, और फर्स्ट फ्लोर में उठते आपको कुछ इस तरह से व्यू दिखाई देता है जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा था. आप लोग भी देख के एंजॉय कर सकते हो. तो घूमते घूमते अपन आप पहुंचते हैं ट्रेंड्स में, रिलायंस ट्रेंड में, जहाँ पे मतलब प्रतीक को कुछ अच्छा चीज दिखा और प्रतीक भाई कुछ खरीदने में लग गया. और जैसा कि आप लोग देख सकते रहे हो वहाँ पे तो सिनेमा है, मतलब आपको थिएटर हॉल सब भी इधर ही मिल जाता है ना. चिरने की तो चिरने चिरने बोलते काटिए ते था बड़ा छिटो. तो यहाँ पे बहन डर रही थी इसके लिए, हाउस ऑफ स्कैरी फन विद स्कैरी. तो एक्चुअली बहन खुद ने बता रही थी कि पहले यहाँ पे जाना 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 है, फिर जब ये पास में आता गया बहन बोल रहा है उनका पूरा ठंडा हो रहा है, डर लग रहा है. तो यहाँ पे आप लोग कुछ इंस्ट्रक्शन देख सकते हो, टिकट का 75 लेके अपन यहाँ पे गए थे. इसका हाउस ऑफ स्कैरी से बहन का प्रॉमिस खातम फर्स्ट टाइम मलाई जस्तो फिल भएको थियो नि, त्यो चकडीमा उड्दाखेरि त्यस्तै फिल भएको के, तर मैले एउटा केही सुनिनँ मलाई यस्तो डर. एक्चुअली गाइस हुआ क्या कि वहाँ पे घुसते ही बहन पूरा डर के आँख बंद कर ली थी, वही बता रही है, और कुछ भी बिना देखे निकल गई. तो ठीक ही था, हाउस ऑफ स्कैरी इतना भी खराब नहीं था. सो अपन पता नहीं क्या हो गए थे कि नीचे आ गए थे,
उनका बात सुनते सुनते बहन का, फिर अगेन हम लोग ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे हम आके दिखाते हैं, इधर से तो आया था, तो फिर थोड़ा घूम घाम के देख के ऊपर के जाते हैं। यस, तो अपन जो टॉप सेकंड टॉप मोस्ट फ्लोर होता है वहाँ पे जाते हैं, तो हमें कुछ इस प्रकार से दिखता है वहाँ का सीनेरी व्यू, क्योंकि जो टॉप फ्लोर था वो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो अभी तक के लिए तो यही टॉप फ्लोर था। काफ़ी अच्छा व्यू था और काफ़ी सारे खाने का जगह था, रेस्टोरेंट्स होटल्स बोल सकते हो, मतलब उसी पे मॉल के अंदर ही था, तो काफ़ी अच्छा है। ये एक तरफ से सही स्ट्रेटेजी भी है मार्केटिंग का, सबसे ऊपर बना दो खाने के लिए, और एक वही हॉल जो सीने में मेरे को दिख रहा था नीचे से, बस तस इधर भी कुछ खाने के लिए था। तो यही सब घूम के अपन आते हैं नीचे फिर से अगेन, और फिर एक राउंड लगाते हैं जो जो हमने मिस कर दिया था उसको अगेन देखते हैं। और ये सीन क्या ही बढ़िया लग रहा था व्यू, उसके बाद सब कुछ देख के धीरे से निकल जाते हैं। तो ये था वो अंडरग्राउंड फ्लोर, जैसे कि आप लोग शॉप्स देख सकते हैं आप लोग, ग्रोसरी का ज़्यादा था, और यही था कि काफ़ी अच्छा था है मॉल, और ठीक ठाक है, इतना भी ख़राब नहीं है, और या अच्छा लगा, नाइस एक्सपीरियंस था। और अपन बाहर निकल के देखते हैं, थोड़ा अंधेरा हो चुका रहता है, और कुछ इस तरह से लाइटनिंग के साथ काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था GT वर्ल्ड मॉल का। तो GT मॉल आपको कैसा लगा सर? एकदम बढ़िया। मैं पूछ रहा हूँ ओवरऑल GT मॉल का एक्सपीरियंस ठीक ही है, नॉट बैड, बट बस ये सिक्योरिटी का थोड़ा खड़ूस था। तो यहीं बाहर बैठ के हम प्रतीक और बहन थोड़ी बहुत बातें करते हैं एक दूसरे के साथ, और एक्सपीरियंस सब पूछते हैं, शेयर करते हैं, उसके बाद फिर अपना टाइम आ जाता है बिछड़ने का। सो इसी के साथ बहन को सी ऑफ करके बाय करके निकलते हैं अपन अगले जगह की ओर, तो वो दिखेगा bye आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप एंजॉयिंग।